इधर भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, व्यापम घोटाले में चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी गई है, दाखिल कर दी गई। सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की, तो चार्जशीट में 160 लोगों को आरोपी बनाया गया है। 16 मेडिकल कॉलेज के संचालन भी चार्जशीट में, संचालक भी चार्जशीट में शामिल है, उनके नाम भी, एक पूर्व नियंत्रक, 2 डीएमई के नाम भी इसमें शामिल है। आरोपियों को 22 फरवरी से 12 मार्च तक पेश होना है। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, पीएमटी व्यापम घोटाले की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी गई है। व्यापम घोटाले में चार्जशीट कोर्ट में पेश हुई है, 2013 के घोटाले की चार्जशीट पेश की गई। चार्जशीट में 160 लोगों को आरोपी बनाया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, 22 फरवरी से 12 मार्च तक कोर्ट में ये सभी आरोपी पेश होंगे एक एक करके। तो 160 इसमें आरोपी बनाए गए, एक पूर्व नियंत्रक, 2 डीएमई के नाम भी इसमें शामिल। तो सीबीआई ने 2013 के घोटाले की चार्जशीट अब कोर्ट में पेश कर दी है। 160 आरोपी दल के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है। इस चार्जशीट में से पूर्व भी एक और चार्जशीट पेश की गई थी जिसमें 490 आरोपी गण को बनाया गया। ये जो चार्जशीट पेश हुई है आज, इसमें 79% जो हैं वो ऑलरेडी चार्जशीटेड थे बाय एसटीएफ, सीबीआई ने उनको सम्मिलित किया है, और 81 जो हैं वो एक्यूज्ड पर्सन्स नए हैं जिन्होंने फेस की चार्जशीटेड है।